అంటే హాలాత్ ఆజ్ జో హాలాత్ కే పైదా యే ఎన్కౌంటర్ జో కర్ రహే అలేర్ ఎన్కౌంటర్ కే ఔర్ ఇస్కే అలావా భీ ఇస్సే పహలే జన్గావ్ మే ఎన్కౌంటర్ హువా యే జో హాలాత్ పైదా కర్ రహే బీజేపీ హుకూమత్ ఆర్ఎస్ఎస్ కి ముసల్మానో కు జైసో ఎన్కౌంటర్ కరో బేకసూర్ నౌజవానో కు ఔర్ జైసో ఉన్ లోగో కా ఎన్కౌంటర్ కర్ దో ఔర్ జో బచే హువే దూసరే లోగ్ హై ఉన్కే హిమ్మతో కు పస్త్ కర్నే కే లియే ये लोग जो है सो लोगों को जेलों में फायदा बनती नहीं होती। और NIA इतनी बड़ी एजेंसी है कि जैसो अब तक जैसो उसमें वो नहीं कर सके, इसमें जैसो केस को पुटअप नहीं कर सके लोग। और जो मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस हो, ये इसमें भी जैसो लोगों को जैसो जो कसूरवार है उनको बाइज्जत बरी कर रहे हैं और मासूमों को ला के आगे इनकाउंटर में आप शहीद कर दिए लोगों को। तो ये नाइंसाफी ये जैसो हुकूमत की NIA की ये कब तक रहेंगी? ये बीजेपी की हुकूमत जब तक रहेंगी ना तो ये लोग जैसो अगर और सर चढ़ के बोल रहे हैं लोग खराब और बढ़ के जैसो काम कर रहे हैं, जब हुकूमत चले जाएंगी तो फिर जो इन पे इन्वेस्टिगेशन होंगी इंशाल्लाह ताला, फिर आलर इनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन NIA पे होंगी कि क्यों आप जैसो सही शाहिद को प्रोड्यूस नहीं करें, आप लोगों को नहीं बताए। तो जब जैसो न जाने देख लीजिए आप जैसो कई ऑफिसर्स इसमें जैसो इन्वॉल्व होंगे और जैसो अदालतों का सामना करना पड़ेगा। 7 अप्रैल 2015 पांच मुस्लिम नौजवानों को वरंगल जेल से हैदराबाद नामपल्ली कोर्ट लाया जा रहा था, जिसमें वकार अहमद, अमजद, जाकिर, डॉक्टर हनीफ, इजहार खान, ये पांच नौजवानों को फेक इनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया गया। जबकि जहां कत्ल किया गया आगे 2 किलोमीटर और पीछे 2 किलोमीटर ट्रैफिक का रुख बदल दिया गया, 4 किलोमीटर सुनसान रोड पर कत्लेआम नंगा राग किया गया। कोई इनको पूछने वाला नहीं था, गोलियां मारने के बावजूद उनको कुंदों से मार के उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, एक का जबला टूटे हुआ था, एक की टांग टूटी हुई थी कुंदों से मार के, इस तरह उन लोगों को मारा गया। वजह क्या बता रहे हैं, एक जने गन खींचे थे, अरे एक जने गन खींचे तो एक को मारना था, 4 बजते थे, 2-17 पुलिस वाले थे, एक एक नौजवान के साथ 6-6 पुलिस वाले ऑटोमेटिक हथियारों के साथ थे, लेकिन तुम प्लानिंग कर दिए थे कि पहले से कि इन पांचों नौजवानों को कत्ल करना और कत्ल कर दिए गए। बेखार उन पर इल्ज़ाम क्या था, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, उसके बाद मुसलमानों पर फायरिंग, फिर मुसलमानों की गिरफ्तारियों से वो लोग नाराज थे, इसी वजह से वो लोग पुलिस पर फायरिंग करे 2-4 बार 18 मई से पहले, ये इल्ज़ाम था ये लोगों के ऊपर। अगर तुम उनको गिरफ्तार कर चुके थे, तुम्हारी कस्टडी में थे, अगर फायरिंग करे उन्हों तो तुम उनको सजा दिलाना था, तुम जुडिशियल कस्टडी में खतर कैसा कर सकते पांच नौजवानों को? मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकेगी और जो लोग इंसाफ के तलबगार हैं उनकी आंखों में धूल झोंका जाएगा। तो उसी तरह जो है ना मंसूबे के तहत कोई कार्रवाई उसके अंदर हुई नहीं, अभी तक सारी चीज़ें जहाँ की वहाँ रुकी हुई है, बस जो है ना एक काम दिखाने के लिए कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और बस कुछ जाब्ते किए गए, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं की गई, उसकी कोई रिपोर्ट आज तक ना हुकूमत के पास पेश की गई। और कहाँ तक कार्रवाई हुई, बाद में कहा कि रिपोर्ट हुकूमत की पहुंच गई है लेकिन मंजेराम पर नहीं लाए, तो ये नाइंसाफी है मुसलमानों के साथ। एक तरफ तो अगर आप बशार अहमद ने वहां से पुलिस वालों को कत्ल किया है, गोली चलाया है, तो जुडिशियल जो ना सजा देना था उसको, फांसी पर लटकाना था उसको, लेकिन क्योंकि आपको मालूम था कि ये काम किए या नहीं किए आप साबित नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से आपने उनको कत्ल कर दिया। एक तरफ बशार अहमद की बात, दूसरी तरफ जो जिसने ऐलान कर दिया कि मक्का मस्जिद बम धमाके के अंदर मैं मुलविस हूँ, असीम आनंद लिटिगेट किया उन्होंने, लेकिन आप उसको बाइज्जत बरी कर दिए, उसके बाद आज तक अपील नहीं हुई। उससे हट के आज से चंद दिन पहले समझौता एक्सप्रेस की बात आई, उसके अंदर भी बरी कर दिया। एक तरफ मुसलमानों को जो बेकसूरों को आप शहीद कर देंगे और दूसरी तरफ जो हिंदू दहशतगर्द खून की नदी यानी खून का रंगा नाच खेले, मस्जिद के तहत उसको पामाल किया, कब्रस्तान के अंदर बम धमाके किए, आप उनको बरी कर रहे हैं। ऐसे नाइंसाफियों की वजह से मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैर रही है, इसी नाइंसाफियों की वजह से बेखार जैसे लोग हथियार उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाकयात को इस मुल्क से रोका जाए ताकि इस मुल्क के अंदर भी अदल व इंसाफ कायम हो, ताकि अमन चैन इस मुल्क के अंदर हो सके।